पहली क्लास कौन सी ली थी? ये हमारी कौन से नंबर की क्लास है? सेवंथ। जजमेंट पे हमने दो क्लास ली थी। सही कह रही। सेवंथ है, एट्थ? हाँ एट्थ है। जजमेंट पे दो ली ना? हाँ। पक्का? हाँ। मेरे रिएक्टिव प्रोएक्टिव। पहली क्लास कौन सी ली थी? ESBI। दूसरी क्लास कौन सी ली थी? रिएक्टिव प्रोएक्टिव। तीसरी? BCAD। फोर्थ नंबर की? हिस्ट्री। फिफ्थ नंबर की? जजमेंट। फिफ्थ और दूसरे को सिक्स्थ मान लो ना आप। हाँ। तो ये सेवन्थ हुई ना। हाँ। ठीक है, अभी हम लोगों ने स्कूल सिस्टम को नकारा है, हमने बोला कि हम एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, हमने कहा एजुकेशन बहुत बढ़िया चीज़ है, बढ़िया क्या, जरूरतमंद चीज़ है, वो तो चाहिए ही चाहिए आपको। तो एजुकेशन के प्रॉब्लम हम लोग खिलाफ नहीं है, शिक्षा के हम लोग खिलाफ नहीं है, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, शिक्षा तो हर जानवर भी अपने बच्चों को देता है, वो बस स्पेशली नहीं देता है, वो ऑटोमेटिकली बच्चे सीख जाते हैं, उनके पास एक कुदरती दिमाग इतना फास्ट होता है कि वो सीख जाते हैं, और ये इंसानों के बच्चों के पास भी होता है, बस इंसान मानते नहीं है, इंसान कहते हैं तो बच्चा है ये कैसे सीखेगा, अभी वो उसको अपने बनाए हुए सिस्टम में डालते हैं सीखने के लिए, जबकि बिल्ली कुत्ता बंदर ये जितने भी जानवर है, हाथी घोड़ा, ये अपने बच्चों को वो कभी भी स्पेशली सिखाते नहीं कि आओ मैं आज तुम्हें पेड़ पे चढ़ना सिखाता हूँ, वो खुद ही सीख जाते हैं। ठीक है, ऐसे इंसानों के बच्चे होते हैं, बस इंसान मानता नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, उनकी नेचुरल नॉलेज को ख़त्म कर देता है। ठीक है, हम एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, हम शिक्षा के खिलाफ नहीं है, हम पढ़ाई के खिलाफ हैं जो स्कूलों में बेची जा रही है, और जिन स्कूलों में फ्री में मिल रही है उसकी क्वालिटी ख़त्म है। दूसरा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ उसके सिलेबस में भी प्रॉब्लम है। तो मैं आज एक हैरानी की बात बताता हूँ कि जो समझ लो किसी एक टॉपिक पे स्कूल कोई पढ़ा रहा है तो प्यून क्लर्क लेवल पे, मतलब जो भी नीचे के लेवल तक की पढ़ाई है, मतलब प्लस टू हो गया, कॉलेज लेवल हो गया, यहाँ तक तुम्हें एक फैक्ट पढ़ाया जाएगा, और उसका असली जो फैक्ट होगा वो जब तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे, जब बिल्कुल ही IRS IAS IPS उस लेवल पे जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि वो पढ़ाई चेंज हो गई जो तुमने अब तक पढ़ा था। क्यों? 80% लोग तो वहीं तक पढ़ते हैं, अपना डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, MBA कर लिया, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक इंजीनियर बन गए, इसके बाद ख़त्म। तो वहाँ तक उनको जो बेसिक जो दुनिया मानती है वो वाली पढ़ाई जाती है, पर आगे जब जाते हो तो वो उसकी डीप पढ़ाई करवाते हैं, जिसमें जाके कई बार फैक्ट चेंज भी हो जाते हैं। आज हम उसी भी चीज़ पर बात करेंगे कि स्कूल का ये एक बड़ा माइनस पॉइंट है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे एक चीज़ बताओ, अर्थ की शेप क्या है? सर्कल। पहल ने बोला सर्कल, ये अर्थ की शेप है, तू बता जो तुम्हें पता है अभी तक। स्फायर मतलब वही सर्कल। ठीक है, यही बड़ा पता है ना तुम्हें कि कोई बोलेगा अर्थ जो है चपटी है, पहले बोलते थे, पहले लोग मानते थे अर्थ चपटी है, उसके किनारे पे जाओगे तो गिर जाओगे, फिर बोलने लगे अर्थ थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी सी संतरे जैसी है, थोड़ी सी वैसी है, गोल, मोस्टली वो गोल के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, और अभी फाइनली किसी से भी पूछोगे तुम वो बोलेगा अर्थ गोल है। ठीक है, अपनी वो भाग करके बुक लेके आ, वो जो जियोग्राफी की बुक है, ज्योग्राफी की बुक, जल्दी एक अलमारी में भी रखिए, मुझे वो ब्लू वाली चाहिए, जल्दी भाग के लेके आओ, जिसमें अर्थ के ग्लोब बने हुए हैं। दिखाओ, हमें स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है कि अर्थ कैसी है, गोल है। ठीक है, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मोस्टली गोल है, सबको यही पढ़ाया जा रहा है। तुम कहीं पे भी कोई भी नक्शा देखोगे, तुम्हारे दिमाग में जो इमेज बनाई गई है अर्थ की, गोल बनाई गई है। तुमसे पूछा जाए, किसी भी लोगों से पूछोगे अर्थ की शेप क्या है, वो बोलेगा गोल है, थोड़ी बहुत अंडाकार है, कोई बोलेगा संतरे जैसी है, कोई बोलेगा हल्की चपटी है, कोई कुछ बोलेगा। तो मोस्टली जो लोगों को मालूम है कि अर्थ गोल है, ग्लोब में यही दिखाया जाता है। ठीक है, यही पढ़ाया भी जा रहा है, पर जब तुम एक लेवल पार करोगे वहाँ जा करके तुम्हें मालूम पड़ेगा, या तुम अपनी रिसर्च उससे पहले करोगे कि अर्थ तो गोल है ही नहीं है? अर्थ गोल ही नहीं है, कैसी है? अर्थ जो है ना तो गोल है, ना अर्थ चपटी है, ना अर्थ संतरे जैसी है। अब कॉमन सेंस लगाने की बात आएगी यहाँ,
अर्थ कैसी हो सकती है? अर्थ पे तो ये गोल है, अगर अर्थ और सारे देश बराबर बराबर रह रहे हैं इसमें, जो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कंट्रीज बनी हुई हैं, जो जो लैंड है यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया अर्थ को, ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड कर दो, 23 डिग्री टिल्टेड है अर्थ, ऐसे ना होकर के ऐसे है थोड़ी सी, ठीक है, अपनी धुरी पे घूमती है 23 घंटे 56 मिनट समथिंग सम मिनट्स, ठीक है, 24 घंटे जिसको हम राउंड ऑफ में बोलते हैं। अब अर्थ तुम्हें बताएगा गोल है, मैं बोलता हूँ अर्थ गोल नहीं है, ठीक है, कैसे, मैं नहीं बोलता हूँ, ये फैक्ट है, मतलब मैंने भी कहीं पढ़ा है ना। अर्थ क्या है, अब यहाँ पे तो मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये इंडिया है, तो यहाँ पे ये एशिया में तो ये बहुत बड़ा पहाड़ है, हिमालय पर्वत, तो ये गोल होगी, तो इतना ऊंचा पहाड़ जो लगभग कितना 8848 मीटर की हाइट है, सोचो, जो लगभग 9000 मीटर की ऊंचाई का तो पहाड़ है यहाँ पे, फिर कहीं पे ज्वालामुखी की वजह से गड्ढे पड़े हुए, कहीं पे उल्का पिंड टकराई है, वहां पे धरती है, तो अर्थ की शेप कैसी होगी, अर्थ की शेप गोल कैसे हो सकती है? यहां से अर्थ उठी हुई है, ये हिमालय पर्वत मान लो, यहां से अंदर घुसी हुई है, यहां से और अंदर घुसी, यहां गोल हो गई, यहां ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे ऐसे होगी ना शेप, क्योंकि यहां हिमालय पर्वत भी है, ठीक है, माउंटेन, माउंट एवरेस्ट जो है, यहाँ पे कोई और माउंटेन है, यहाँ पे कोई गड्ढा है, कोई कोई कहीं पे कोई और गड्ढा है, अभी जो समुद्र है, क्या सभी समुद्रों की गहराई बराबर है? नहीं, कहीं पे समुद्र बहुत ज़्यादा गहरा है, कहीं पे कम गहरा है, इसीलिए वो पनामा नहर दो समुद्रों को जोड़ने की जो मैन मेड कैनल है, उसमें जहाज को लाने के लिए उसमें पानी भर के उसको क्रॉस कराया जाता है, क्योंकि एक समुद्र की गहराई दूसरे समुद्र की गहराई से अलग है। तो ऐसी चीज़ें अभी तुम्हें होना चाहिए कि बच्चे को जब आप अर्थ गोल बता रहे हो तो आपको उसको पूरी डिटेल बतानी चाहिए, पर सिंपल सा जी अर्थ गोल है जी, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी पर गोल है, ऑलमोस्ट हर बच्चे के दिमाग में पढ़ाया जाता है कि धरती गोल है, धरती गोल नहीं है, ठीक है, धरती गोल हो ही नहीं सकती, कॉमन सेंस लगाओ ना, कहीं पे बहुत बड़ी गड्ढे हैं, कोई देश निचाई पे है, कोई देश, अब तिब्बत चीन कहाँ है, ऊंचाई पे है, तिब्बत का पठार कितना ऊंचाई पे बना हुआ है, हिमालय पर्वत, नेपाल कितनी हाइट पे है, और साउथ इंडिया कहाँ है, नॉर्थ इंडिया कितनी हाइट पे है, तो पत्थर का बना है, तो है क्या, मेरी बात समझो, तो अर्थ गोल हो ही नहीं सकती, तो अर्थ ऐसी है, मान लो ये गोल है, ये इधर से ये ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है अर्थ। अब इस अर्थ की कैलकुलेशंस के लिए वैज्ञानिकों ने एक एवरेज रूल बनाया, एवरेज फॉर्मूला, एवरेज रूल बोलते हैं ना कि एवरेज का सहारा लेना, वो एवरेज लिया कि ये जो उठा हुआ है इसको थोड़ा कम कर दिया, जो गड्ढा है इसको थोड़ा उठा दिया, और ऐसे करके गोल बना दिया। ये काल्पनिक है, ये इमेजिनेशन है, जैसे किलोमीटर होते हैं ना, किलोमीटर कोई प्रोडक्ट थोड़ी है, वो तो हम नापते हैं ना किलोमीटर, ऐसे ही एक सर्कल बना दिया मोटा मोटा कि ये एक अर्थ को गोल की शेप दे दी, पर फिजिकली अर्थ गोल नहीं है, तो ये साथ में पढ़ाना चाहिए, पर वो नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, तो नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उनको खुद नहीं पता होगा, उनके सिलेबस में नहीं दिया गया, या जिसने सिलेबस डिज़ाइन किया उसने मान लिया कि बच्चे की बुद्धि छोटी है तो बच्चे को अभी नहीं बताएंगे। अरे जब तो बेसिक में करेक्शन होना चाहिए ना, जब बच्चा गोल आकृति समझ सकता है तो बच्चा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आकृति भी तो समझ सकता है। पटेटो है, आलू, आलू की शेप कैसी होती है, कहीं से उठी, कहीं से पिचका, कहीं से कुछ उस टाइप के। तुमने कभी उल्का पिंड देखे होंगे, वो क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड, क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड, जो आके धरती से टकराते हैं या हवा में उड़ते हैं, स्पेस अंतरिक्ष में जो होते हैं बड़े बड़े, उनकी शेप कैसी होती है, उनकी शेप कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी चट्टान जैसी। तो अर्थ भी तो वैसी होगी ना, कहीं से ऊंची, कहीं से नीची, कहीं से गहरा समुंदर, कहीं पे कम गहरा समुंदर, कहीं पे बहुत ऊंचा पहाड़, कहीं पे थोड़ा कम ऊंचा पहाड़, तो टेढ़े मेढ़े एक चट्टान की तरह ही तो होगी ना धरती भी, जैसे एक एस्ट्रॉयड होता है, जैसे उल्का पिंड होते हैं, जैसे एक आलू होता है, पर दूर से देखेंगे तो हम, जैसे तुम बहुत दूर कोई आलू बेचने वाला है तो दूर से देखने पे आलू गोल गोल नजर आएंगे, है ना, आलू दूर से देखने में गोल गोल नजर आएंगे ना उसके गड्ढे, तो ऐसे ही जब सैटेलाइट से पिक्चर लेते तो अर्थ एक पॉइंट की तरह दिखाई देता है, पर जैसे जैसे आप उसके क्लोज जाओगे, उसका पूरा आकलन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा अर्थ कहीं से निकली हुई है, कहीं से पिचकी हुई है, कहीं से उठी हुई है, पर हमें ये पढ़ाया गया गोल,
हमें ये क्यों नहीं पढ़ाया गया साथ में कि अर्थ जो गोल है वो एक काल्पनिक इमेजिनेशन, एक एवरेज रूल के हिसाब से गोल है उसका नापातोली करने के लिए, ठीक है, पर वो फिजिकली अर्थ जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है, वो कहीं से उठी हुई है, कहीं से पिचकी हुई है, कहीं से कैसी है, जैसे पटेटो होता है उस टाइप से, ठीक है, जैसे जो उल्का पिंड आते हैं, जैसे चट्टाने आते हैं, कोई भी ग्रह गोल नहीं है। हाँ, दूर से देखने पे वो एक बिंदु की तरह दिखता है तो वो हमें गोल दिखता है, दूर से देखने पे आलू भी हमें गोल दिखते हैं, पर वो फिजिकली जब हम नज़दीक जाते हैं तो गोल नहीं होते ना, तो अर्थ गोल नहीं है। तो इसको जो अर्थ की शेप, अब कैसे क्या वर्ड यूज़ करेंगे अर्थ की शेप के लिए? अर्थ की शेप के लिए हम सर्कल नहीं यूज़ कर सकते, राउंड नहीं यूज़ कर सकते, ट्राइंगल नहीं यूज़ कर सकते, स्क्वायर नहीं कर सकते, तो अर्थ की शेप को लिए हम बोलेंगे कि अर्थ की जो शेप है वो जी क्या जियोड, जियोड शेप है, जियोड, जियो मतलब भूगोल, भूगर्भ, जियोग्राफी, ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना हम, ज्योग्राफी, तो अर्थ की शेप क्या है? जियोड, जियोड, ठीक है। अर्थ का मतलब क्या, टेढ़ी मेढ़ी, मतलब फिक्स नहीं है कुछ जो शेप है वो फिक्स है, पर वो शेप जो है वो जियोड शेप है, वो जैसे धरतियों की शेप होती है, भूमि की शेप होती है, क्या पूरी दिल्ली की जमीन एक जैसी है, पूरे गोवा की जमीन एक जैसी है? अब कॉमन सेंस लगाओ कि हम इस समय नॉर्थ गोवा में रह रहे हैं और साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा की जमीन एक जैसी प्लेन है क्या? नहीं, कितनी पहाड़ी, तुम साइकिलिंग करते हो यहाँ पे गोवा में, कभी ऊपर चढ़ते हो, चपोरा फोर्ट कहाँ है? सामने ऊपर है, मोरजिम बीच नीचे है, तो ऐसे ही तो पूरी धरती बनी। ये तो हम एक छोटे से जगह की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे छोटा राज्य गोवा, पर अगर जब हम इसको अर्थ लेवल पे बात करेंगे तो बड़े बड़े ऊंचे नीचे भी होते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया ऊंचा है, ठीक है, साउथ इंडिया नीचा है, ऐसे ही तिब्बत के पठार, तिब्बत ये सब ऊंचा है, ठीक है, तो ऐसी पूरी अर्थ जो है कहीं से निकली हुई है, कहीं से पिचकी हुई है, इस टाइप से है, पर दूर से देखने में वो गोल नजर आती है। उसके एवरेज रूल के लिए उसकी जो अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बनाना है तो हमें उसके लिए एक इमेजिनेशन, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है वो भी तो इमेजिनेशन है ना, अक्षांश रेखांश वो भी इमेजिनेशन है, ऐसी इमेजिनेशन एक गोल सर्कल बना दिया, उससे फिर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से अंदाजा लगा दिया, क्योंकि ऊंची हुई है या नीची है उससे वो वेदर तो वहां पे वही रहेगा ना, मतलब वो जो टाइम जोन है वो तो वही रहेगा ना, तो इसलिए उन्होंने एक एवरेज नियम बना लिया। नहीं तो क्या होगा कि गोवा के अंदर ये कहीं पे ऊंची जगह है तो वहां के लिए फिर अलग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो पूरे गोवा में एक ही काम करेगा ना, वो तो उसी लेवल पे काम करेगा। तो ऐसे ही जो अर्थ है, अर्थ की शेप जो है जियोड शेप है। कभी भी कोई पूछे कि धरती गोल है या कोई बोले तो कहना धरती गोल नहीं है। धरती गोल हो कैसे सकती है? क्या गोवा प्लेन है? क्या हिंदू इंडिया पूरा प्लेन है क्या? तो फिर पूरी अर्थ भी तो ऐसे ही है ना। यूएसए के अंदर ग्रैंड कैनियन है, बड़ी ऊंची पहाड़ियां हैं, वो अजीब सी पहाड़ियां हैं, ग्रैंड कैनियन है, अफ्रीका का जंगल है, पहाड़ है, वो एक अफ्रीका में एक बहुत बड़ा पहाड़ है उसकी ट्रैकिंग करने लोग जाते हैं, किली मंजारो है अफ्रीका में, यहाँ पे हिमालय है। तो अर्थ की शेप क्या है? जियोड, जियोड शेप है अर्थ, सफायर गोल ये नहीं है। जो गोल और सफायर जो बोला जाता है वो इमेजिनेशन के रूप में है। इमेजिनेशन हम करेंगे, कोई आकलन करेंगे, ग्लोब बनाएंगे, ग्लोब के ऊपर अक्षांश रेखांश लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बनाएंगे तो वो कैसी बनेगी? वो गोल के ऊपर ही बनाएंगे, पर एक्चुअल में फिजिकली अर्थ कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी, ना चपटी है ना गोल है, वो टेढ़ी मेढ़ी, कहीं से उठी हुई, कहीं से पिचकी हुई, कहीं से कैसी, कोई देश ऊंचाई पे है, कोई देश नीचाई पे है, ठीक है ना। जैसे चिरापूंजी ऊंचाई पे है, उसका सारा पानी, सबसे ज़्यादा बारिश होने के बावजूद सारा पानी बांग्लादेश चले जाता है, चिरापूंजी वालों को पानी नहीं मिलता पीने के लिए, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ पे होती है, साल में 10 महीने बारिश होती है, उसके बावजूद वो पानी के लिए तरस है क्योंकि वो ऊंचाई पे है, बांग्लादेश नीचे है, सारा पानी वहाँ चले जाता है। अब देखो ना, जैसे यहाँ पे ये अर्थ दिखाई है, ये गोल दिखाई है, ये जो लाइनें दिख रही हैं ये इमेजिनेशन है, ये लाइनों के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, इन लाइनों को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, अक्षांश रेखांश, ठीक है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। पर मोटी बात एक तुम्हें नॉलेज में आनी चाहिए कि आज के बाद तुम कभी नहीं बोलोगे धरती गोल है। धरती को गोल इमेजिनेशन के लिए, कैलकुलेशंस के लिए इमेजिनेशन किया गया है, पर फिजिकली धरती गोल नहीं है, धरती चपटी नहीं है, धरती संतरे जैसी नहीं है, धरती बिल्कुल आलू जैसी टेढ़ी मेढ़ी सी है, कहीं से कैसी उठी हुई, कहीं से कैसी उठी हुई, ठीक है, तो धरती गोल नहीं है, ठीक है, एक बात ये समझ में आ गई। तो आज के बाद तुम धरती को गोल कभी भी नहीं मानोगे। तो अभी तुमने क्या करना है,
आज का ये क्लास का होमवर्क क्या है कि अर्थ की शेप क्या है उसके बारे में पता करना है, और जियोड के बारे में पता करना है। जियोड की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, विकिपीडिया से पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, गूगल पे जाओ, उसके वीडियोस देखो, और जियोड के बारे में पता करके उसकी डिटेल लिखोगे और उसके बाद वो करोगे। एक मैंने हिस्ट्री की क्लास का होमवर्क दिया था, तूने क्या किया उसमें? कंप्लीट हो गया। हिटलर के बारे में लिखा है, ठीक है। एक क्लास में तेरे को सारा पढ़ के सुनाना होगा, इसलिए उसको पढ़ने की रिवीजन कर लेना, ठीक है। अटक अटक के नहीं पढ़ना है, फ्लो में पढ़ना है, तो वो उसको पहले कई बार पढ़ लेना। जब फ्लो में हो जाए मुझे बोल देना, उस क्लास में तो वो पढ़ के सुनाएगी, ठीक है। पहले कई बार खुद पढ़ना है, जब बिल्कुल फ्लो में पढ़ेगी, जैसे मैं फटाफट जल्दी बोल रहा हूँ, तब उस हिसाब से बोलना है, ठीक है। तो अभी हमने आज अर्थ की शेप के बारे में डिस्कस किया। अर्थ की शेप ना गोल है, ना चपटी है, ना संतरे जैसी है। अर्थ की शेप जियोड है। जियोड का मतलब क्या हुआ? कहीं से टेढ़ी, कहीं से उठी हुई, कहीं से पिचकी हुई। तो गोल कैसे गलत हो सकता है? पूरी दुनिया में ग्लोब तो गोल दिखाया जाता है, न्यूज़ में अर्थ को दिखाएंगे तो गोल दिखाएंगे, कोई भी डिस्कवरी वगैरह में दिखाएंगे गोल दिखाएंगे। वो एक इमेजिनेशन फिगर है, क्योंकि दूर से हर दूरी से हर चीज़ बिंदु के समान दिखती है, बिंदु गोल होता है। और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बनाने के लिए अर्थ को गोल आकलन करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो हम अगली क्लास में भी जब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में पढ़ेंगे, और एक अर्थ टिल्टेड भी है, थोड़ी सी एक तरफ झुकी हुई है, 23 डिग्री के करीब झुकी हुई है, वो हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए हमें अर्थ की शेप हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए मालूम पड़ गई, ठीक है। होमवर्क ये है कि इसके बारे में पूरी रिसर्च होगी, और जो चीज़ें मुझे नहीं पता है वो तुम मुझे पता करके बताओगे, जियोड के बारे में और अर्थ की शेप के बारे में। और पूरा इसका पेज पे डेट डाल के क्लास वगैरह लिख के करोगे। आज की क्लास लिखी तूने नहीं लिखी, तो फिर क्लास के बाद पिछली सारी क्लास एक साइड में लिखनी है। हमें लगातार पिछली क्लासों का भी रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। ख़त्म करो आज की क्लास।